हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह सुबह बैठ के मैंने नहा, मतलब सुबह सुबह बैठ के धूप खा रही थी, बट इतनी धूप आ नहीं रही थी। सुबह 7 और 8 बजे आ रही थी तभी मैं बैठी थी, और अभी जा रही हूँ खाना बनाने। मैं पे देखो एक पिंपल्स आ गए, कभी भी आ जाते, ये तो बिन बुलाए मेहमान है जो कभी भी आ जाते हैं। तो अभी जा रही हूँ दाल चावल घर लगाने, और दिया बत्ती हो चुकी है। आज पहले दिया बत्ती हो गया, आज मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया। मैंने सोचा चलो वीडियो बनाने के बाद से, क्योंकि फिर घर गंदा होता है ना, तो इसलिए मैं बाद में करूँगी, अभी नहीं। ऐसे घर साफ ही रहता है, गंदा तो है नहीं। तो आज सिंपल सा दाल चावल, कुछ भुजिया, चोखा। बहुत दिन से मैंने ना चोखा नहीं खाया, तो आज चोखा खाने का मन हो रहा है। तो वही दाल चावल चोखा और बीन्स फ्राई, कुछ ऐसा कुछ कुछ तो बनाऊँगी। और आज एक स्पेशल इमली का चटनी बनाऊँगी दाल चावल के साथ खाने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल भिगा दिया है, और सामान को अभी रखा नहीं है, इसको रखना है। और अब जा रही हूँ दाल लगाने। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और मिर्ची कट करके स्लिट करके डाल रही हूँ। जब भी मैं बीन्स फ्राई करती हूँ ना, तो स्लिट करके डालती हूँ। और मुझे ना ट्राईपॉड पर लगाने को डर लग रहा है, क्योंकि ऊपर का जो उसका जो क्या मोबाइल लगाते हैं ना, एक्चुअली टूट गया है। उसको मैंने सेलो टेप से सिक्योर किया है, तो कभी भी कढ़ाई में गिर जाएगा ऐसा डर लग रहा है। तो मैंने ना इसमें हींग डाल दिया है, और इसमें ना ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है। बीन्स तो आप नॉर्मली सिर्फ हल्दी नमक डाल के भी फ्राई कर सकते हो, और ऊपर से चिली फ्लेक्स वगैरह डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया है, मतलब फ्राई हो गया है थोड़ा सा चिली, तो मैं इसमें बीन्स डाल दूँगी। और ये बीन्स ना थोड़े बड़े बड़े थे, जो छोटे वाले आते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, ये थोड़े से पक गए थे मुझे लगता है। तो इसको ढक दिया है, और यहाँ पे इसमें हल्दी नमक डालूंगी, और आधा टमाटर डालूंगी। टमाटर वाली वीडियो पता नहीं कहाँ स्किप हो गई, सॉरी उसके लिए। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसको आप टिफ़िन में भी लेके जा सकते हो, चपाती के साथ तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसको फटाफट बना लेती हूँ, और फिर आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ ऑलमोस्ट। उसके बाद तो मैं आलू गोभी बनाऊँगी, लेकिन नॉर्मल। और यहाँ पर दाल भी अपनी हो गई है, तो बस इसको अभी बंद कर दूँगी। और उसके बाद से मैं, और यहाँ पे बैंगन को जो मसाला लगाई हूँ, इसमें मैंने सिर्फ गरम मसाला डाला है, सरसों का तेल और नमक डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने बैंगन भाजा डाल दिया है, और यहाँ पे आलू गोभी कट कर ली हूँ, और यहाँ पे इमली भिगा दी हूँ। तो इमली में ना मैं ये प्याज टमाटर, प्याज और मिर्ची डालूँगी। यहाँ के लोग ना ये इसको राइस के साथ खाते हैं, तो अब इसमें सिर्फ नमक जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। कोशिश करें जो पानी लोगे ना, तो चावल का पानी लेना, क्योंकि वो माड़ में बनाते हैं इसको, तो बहुत अच्छा लगता है चावल के साथ खाने के लिए। बट अभी तक मैंने चावल बनाया नहीं है, तो मैंने सोचा पहले ये सलाद बना के रख देती हूँ, इसको चटनी बोलते हैं ये लोग। तो अभी बस इसमें नमक डालूँगी, तो इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, और इसको मिक्स करके हाथ से ले लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इसको थोड़ा देर इसी में भिगा के छोड़ देना है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, टैंगी और स्पाइसी होता है। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है, लेकिन अभी मैं इसको छोड़ूंगी इसी में, थोड़ा सा ये इमली भीग जाएगा। और यहाँ पे सब्ज़ी खाली कर दी बीन्स की, तो यहाँ पे आलू गोभी खाली फ्राई करूँगी, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, नमक हल्दी, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालूँगी, और एक टमाटर डालूँगी। तो सिंपल सी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। आज मुझे सिंपल खाना खाने का मन है, इसीलिए थोड़ा सा मैंने टैंगी के लिए इमली का चटनी बनाया हो। तो अभी इसको भुनने देते हैं अच्छे से। और यहाँ पे ये भी हो गया है, यहाँ पे ये भी हो गया है, और यहाँ पे बीन्स फ्राई हो गया है, इसमें थोड़ा सा मैंने टमाटर डाला था। दाल भी हो गई अपनी, और चावल भी रख दिया है, और भरता नहीं बनाया क्योंकि इतनी सारी सब्जियाँ बनाई थी ना, यहाँ पे प्लेटिंग लगा दिया है मैंने। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ा सो गई, और अभी मैं दिखा रही हूँ मैं क्या खा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक चाय लिया है, ये बोर्नविटा बोर्बन बिस्किट, आई थिंक सो बॉर्नविटा वाला बिस्किट है। और यहाँ पे मूंग दाल और बूंदी। अरे बाहर का व्यूज़ बहुत दिन से आप लोग को नहीं दिखाया। तो मैं चाय और ये पी रही हूँ, आज मुझे दूध वाली चाय पीने का मन नहीं था, इसलिए क्योंकि अभी खाना है नहीं। यहाँ पे इतना काम होता है ना, बैक कैमरा करके देखते हैं। तो वहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, ये दूसरा वाला अभी रेडी हो गया है, अभी वो चालू है, फिर उसके बाजू में चालू होगा। देख सकते हो, जूम करके दिखा रही हूँ, अभी ये चालू है, अभी इसके बाजू वाला, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो, अभी इसका चालू ही है। दिन भर ठोक ठाक होता ही रहता है, और मेन रोड भी है ना ये, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। चलिए मैं चाय और एक खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, नीचे जाऊँगी सब।
Hey guys, good morning, early morning, good morning मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी रात के ना 3:30 बज रहे हैं और मैं किचन में आई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ होता है ऐसा, टेंशन हो जाता है तो फिर मुझे नींद नहीं आती है, वही सोच सोच के दिमाग में चलता रहता है। तो 3:30 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो मैंने सोचा चलो ब्लैक टी बनाते हैं और थोड़ी सी मैगी बनाते हैं, शायद खाने के बाद मुझे नींद आ जाए। क्योंकि मतलब अब टेंशन क्या है, क्या ही बताऊँ आपको, काम को लेके तो नहीं है बट रहता ना लाइफ में बहुत सारी टेंशन है जो आप कितनी भी कोशिश कर लो तो वो नहीं जाने वाला। तो कोशिश करेंगे कि चला जाए खाने से, जब पेट भरा रहता है ना तो लाइफ का कोई टेंशन आपको याद नहीं आता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब पेट भरा होता है ना तो कोई भी चीज़ याद नहीं आती है मुझे, और पेट खाली रहेगा ना तो दुनिया भर का झमेला मुझे याद आएगा। तो इसलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि चाय पहले रख देती हूँ, तो चलिए फटाफट काली चाय बनाते हैं। काली चाय इसलिए बनाऊँगी कि आज नीचे गई थी ना तो मैं दूध लाना भूल गई और दही लाना भी भूल गई, दोनों ही भूल गई। और सुबह से मैंने दूध वाली चाय नहीं पी थी, मतलब कल मैंने दूध वाली चाय नहीं पी, पूरा दिन ऐसे ही गया ब्लैक टी पी के। तो अभी भी ब्लैक टी ही पी लेते हैं, आपने तो देखा ही होगा कि मैंने लाल वाली चाय बनाई थी, चलिए फटाफट बना। तो अभी इसमें थोड़ी सी चीनी डालूंगी क्योंकि ज़्यादा मीठी नहीं करूँगी, थोड़ी सी। जब लाल चाय बनाते हैं ना तो उसमें बहुत हल्की सी चाय पत्ती डालती है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं डालना नहीं तो कड़वी हो जाती है। और इसमें थोड़ा सा तेज पत्ता डाल देंगे, थोड़ी सी अदरक डालेंगे, इसको कूट लेते हैं। इसको चाय में डाल देते हैं, चाय उबलना चालू हो गया, इसको धो के रख देते हैं। पानी चढ़ा दिया और यहाँ पे एक मैगी डाल देते हैं, ये वाली ख़त्म हो गई है, और इसमें मसाले डाल देते हैं, एक ही साथ डाल देते हैं। फटाफट बनाना है और खाना है, चुपचाप सोना है। तो इसमें ना कम तीखी वाली थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी और इसको बॉईल कर लेंगे, और यहाँ पे चाय भी अपनी हो गई है, फटाफट यहाँ पर बॉइल कर देते, जब तक बॉइल होता है तब साथ। तो यहाँ पे ना 3:00 बजता है 4:00 बजता है ना, यहाँ के ना जो ये कंपनी एरिया है ना तो यहाँ पे ना सब पता नहीं चलता कि रात हो गई है क्या हो गया, क्योंकि साउंड आता ही रहता है कंपनीज़ के सारे, वो हॉर्न बजते रहते हैं, लोग काम पे जाते रहते हैं, अभी लिफ्ट का आवाज़ आता रहता है दिन रात, लिफ्ट ऊपर नीचे, नाइट ड्यूटी जिनकी रहती है वो जाते आते रहते हैं, तो इसीलिए इतना पता नहीं चलता है। यहाँ पे लोगों के घर में मेरे बाजू का एक फ्लैट है, मुझे लगता है उनकी नाइट शिफ्ट है या फोन तो रहता है, मेरी जो बेडरूम का विंडो है वहाँ से रोज़ यही टाइम पे कुकर की सीटी बजती है, कुछ खाना वाना बनता होगा। आई नो, मैं समझ सकती हूँ जो रहते होंगे वो खाना वाना तो खाएंगे ना ऑफिस से आएंगे तो, बट नाइट ड्यूटी यहाँ पे लोगों की बहुत है, क्योंकि ये सोसाइटी में ना मैंने बहुत लोगों को देखा है, और जब भी जो ग्रुप में हैं आंटियाँ उनके सारे बच्चे नाइट ड्यूटी में हैं, नाइट ड्यूटी में कभी 3 बजे आएंगे कभी 4 बजे आएंगे, या तो कभी कभी 4 बजे जाएंगे या तो फिर घर से 3 बजे 4 बजे काम करेंगे, ऐसा रहता है यहाँ पे। तो अपनी मैगी हो रही है तब तक प्लेट में निकाल लेते हैं, चाय हो गई है तो चाय निकाल लेते हैं, कैमरा भी पकड़ो मोबाइल भी पकड़ो, चाय और ये तेजपत्ते वाली चाय ना बहुत अच्छी लगती है। तो चाय हो गई अपनी, मैगी भी फटाफट हो ही रही है, पानी लगता है मैंने ज़्यादा डाल दिया, अब इसको सुखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया है, पहले नॉब बंद कर देते हैं गैस का, नहीं तो पता नहीं चलता है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं, लाइट बंद कर देती हूँ पहले, फिर लेके चलते हैं इसको बेडरूम में। खाने को मैं यहाँ पे भी खा सकती हूँ लेकिन अभी मूड नहीं है यहाँ बैठने का, तो अभी बेडरूम में चलते हैं शांति से। और यहाँ पे कपड़े देखिए रखे हुए, आज मैंने घड़ी नहीं की है, वहाँ के लाइट बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे खाते हैं। अच्छा, मेरी तरह कौन कौन रात को मैगी और चाय ऐसे खाता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और
अभी भी ना यहाँ पे लिफ्ट की आवाज़ आ रही होगी शायद आपको, कैचअप ये कैच नहीं कर रहा होगा मोबाइल, नीचे ऊपर लिफ्ट हो रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि यहाँ से साउंड शायद वहाँ जाता होगा, पता नहीं क्योंकि उनकी कुकर की सीटी मुझे आती है तो उनका मैं उनका भी आवाज़ तो मेरा आवाज़ भी जाता होगा शायद से। तो चलिए अभी मैं मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में, कल सुबह के कितने बजे उठूँगी ये भी नहीं पता, लेकिन मैं कितने बजे भी सोऊँ मेरी ना आँख है ना 6 से 7 के बीच में खुली जाती है, कोई भी हालत में खुल जाती है, ऐसा नहीं है कि 8, 9, 10 बज जाता है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन 6 से और 7 के बीच में खुल जाती है, पता नहीं कैसे कितने बजे भी सोऊँ, चाहे मैं 4 बजे सोऊँ चाहे 5 बजे सोऊँ, वो एक बार तो खुलती है, भले उसके बाद मैं चाय नाश्ता करके जब सोऊँ तो 2-4 घंटे सो जाती हूँ, लेकिन नहीं जब मैं रात को सोती हूँ ऐसे ना तो 6 से 7 के बीच में एक बार नींद खुल जाती है। तो चलिए मैं इसको खाती हूँ और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में कुछ खास तो था नहीं, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, आप लोग ने बोला है दीदी डेली रूटीन अपना शेयर करना, तो कोशिश कर रही हूँ कि 10 मिनट की 5 मिनट की 6 मिनट की आपको वीडियो दे दूँ, और बाकी बातें कल की वीडियो में कर लेंगे, मिलते हैं बाद में, बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग तो सोए होंगे, सुबह उठ के देखेंगे, मेरे लिए गुड नाइट है, बाय।